हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। यहां पे हम देखेंगे आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, उनके एक्शंस क्या है और किस तरीके से वो आपको कुछ कहेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन कैसा होगा ये हम देखेंगे। ये ओवरऑल एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सारे राशियों के लिए है और मैं पहले राशि चेक करूंगा, उसके बाद उसकी एनर्जी, उसके बाद उसका नेक्स्ट एक्शन। ये कलेक्टिव रीडिंग हो रहे हैं, जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए है जो कलेक्टिव रीडिंग को मानते हो, जो लोगों के साथ यूनिवर्स का एक गहरा संबंध है एंड जो लोग मानते हो कि लव और स्पिरिचुअलिटी एक ही है। चलिए बिना देर करते हुए आज देख लेता हूँ कौन से एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट यूनिवर्स बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के कौन से व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी आ रहे है इस टाइम पे, व्यूअर्स के पार्टनर के क्या एनर्जी आ रहे हैं। पहला एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं वो है एयर साइन के नाइट एंगल के। पहला एनर्जी हम लोगों को मिल गया है नाइट एंगल का, वो है एयर साइन। उसके बाद मैं देख लेता हूँ और क्या क्या साइन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, एक है फायर साइन का और दूसरा आए है अगेन फायर साइन का, लीजर्ड एंड गेजल। और क्या कार्ड्स आए हैं, अर्थ एंड फायर मिला है और उसके बाद यहाँ पे आ गया है एलिफेंट। बहुत ज़्यादा आज मैं देख सकता हूँ कि फायर साइन के कार्ड्स आए हैं एंड एयर साइन के। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सजिटेरियस के कार्ड्स है। आज आपके पार्टनर क्या फील करे, आज आपके पार्टनर कम्युनिकेशन को मिस कर रहे, आज वो इस टाइम पे आपके साथ कम्युनिकेशंस को मिस कर रहे। मैं देख सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे एक सिंगर है या फिर आपके लिए वो गाना सुनाते थे या फिर कोई कोर्ट्स भेजते थे, एक हैबिट के बारे में वो मिस कर रहे। वो अक्सर वही बात करते थे सोने से पहले या फिर इस टाइम पे, बहुत पैशनेटली वो आपको मिस कर रहे। लिजर्ड यानी कि ये एक गहरा संबंध है आपके साथ, आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। मैं ये देख सकता हूँ कि वो आपको अपने एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों कनेक्टेड थे। गेजल वो आपको बहुत शांत मानते हैं, वो मानते हैं कि आप लॉयल हो, वो मानते हैं आप प्रोटेक्टेड हो, वो मानते हैं आप केयरिंग हो, वो नहीं चाहते हैं कि आप दूर हो जाओ, वो नहीं चाहते हैं कि आप गलत लोगों के बहकाने पे आके कुछ करो, क्योंकि इसको लगता है कि आप बहुत जल्दी लोगों को विश्वास कर लेते हो, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये भी एक चीज़ इसको पता चल रहा है कि आप बहुत चंचल हो, यानी कि आप कभी एक चीज़ सोच रहे हो उसके बाद दूसरी चीज़, तो यानी कि कैरियर में आपका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो इस बारे में भी सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस करो, वो चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को लेके सीरियस हो जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो उसका कंप्लेन है कि आप सीरियस नहीं हो, आप बातों को एक बार बोलते हो उसके बाद बातों को घुमा देते हो। मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ये चीज़ देख रहे हैं कि आप उनको कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे हो कोई भी चीज़ को लेके, या फिर वो जो बोल रहे हो उसको आप सुने नहीं हो, आप काउंटर अटैक किए हो हर बार। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, वो एक कंप्लेन लेके आपके सामने आ रहे हैं, तो वो इस टाइम पे कंप्लेन के बारे में सोच रहे, एक झगड़ा के बारे में सोच रहे। वो ये भी देख रहे कि आप बहुत स्टबर्न हो, आप जो भी सोचते हो वही करते हो, बट वो एक चीज़ देखे कि आप बहुत ही सेंसिटिव हो और आप कोई चीज़ों को बहुत पर्सनली लेके बैठे हो, और वो चीज़ को वो भी जानते हैं, वो कुछ गलत किए थे, वो कुछ ओवर रिएक्ट किए थे कोई चीज़ को लेके। काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि वो आपको कॉल कर रहे, नाइट एंगल मतलब वो स्पिरिचुअल गाना सेंड कर रहे, स्पिरिचुअल मैसेज सेंड कर रहे। मैं ये भी देख सकता हूँ रिपीटेड नंबर्स या फिर सपने में आप अपने पार्टनर को देख पाओगे। मैं देख सकता हूँ एक इंटेंस कम्युनिकेशंस आ रहा है, बट अभी आप दोनों के बीच में ईगो इशू के वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, बट फिफ्थ डायमेंशंस पे आप लोग कनेक्टेड हो, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ एक डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस। जैसे कि आपको हमेशा फील होगा आपके पार्टनर आपको टच कर रहे, आपके पार्टनर आपको फील कर रहे, क्योंकि वो हर टाइम पे आप ही को विजुअलाइज कर रहे और आप ही के साथ बात करना चाहते हैं, स्पेशली लेट नाइट पे वो आपके साथ कम्युनिकेशंस को मिस करे। मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो आपको ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो वीक हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत टिमिड है कनेक्शंस, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करे, एक्सप्रेस नहीं करे। वो पहले बहुत एक्सप्रेसिव था, वो बहुत बार एक चीज़ आपको बोले कि वो आपको प्यार करते हैं, आप विश्वास करो, बट आपने फिर भी उसको विश्वास नहीं किया, या फिर ट्रस्ट इशूज़ लेके दोनों के बीच में कुछ हुआ था, उसका असर अभी तक है। उसके बाद देखूंगा कि आपके पार्टनर के ओवरऑल एनर्जी कैसा दिख रहा है, ओवरऑल एनर्जी कैसा दिख रहा है। पहला एनर्जी विजडम, आपके पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, ये बहुत इमेच्योर तरीके से अपना लाइफ को लीड कर रहा था, स्पेशली रॉन्ग दोस्त, रॉन्ग
सोसाइटी में ये खुल मिल गए थे, एडिक्शन हो गया था, बट फाइनली वहाँ से वापस आ रहे हैं. इसको लग रहा है कि कौन सा चीज़ ये गलत किए है और वो अपने रिग्रेट लेके तड़प रहे. बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि ये आपको झूठ बोला है, वही चीज़ को ये सोच रहे हैं. ये अपने करतूत को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और भी ये नहीं चाहते कि उनके बुरे कर्म के वजह से ये रिलेशनशिप, अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़राब हो जाए. सो ये आपके लाइफ में वापस कैसे आएंगे, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ पूछ रहे हैं और कौन सही कौन गलत है इसका फैसला करें. मैं देख रहा हूँ कि परिवार यहाँ पे इन्वॉल्व हुए है. हो सकता है कोई कोई परिवार, इसके परिवार नहीं चाहते थे आप दोनों एक साथ हो, या फिर ऐसा है कि एक मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जिसके परिवार बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, और उसके कारण शायद आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये अभी अपने करियर एंड अपने परिवार ऊपर फोकस करें, अपने बिजनेस या फिर अपने काम के ऊपर फोकस करें. क्योंकि इसकी एनर्जी में देख रहा हूं कि लाइफ में ये कुछ करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये लव के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, पास्ट में लव के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे. यहां पे बात आते हैं परसेप्शंस. देखिए ये एक चीज अभी काइंड ऑफ इसको पता चल रहा है कि आप दोनों शायद एक स्पिरिचुअल पार्टनर हो. हो सकता है आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो. मेरे ख्याल से उसके एक नए परसेप्शंस आ रहे हैं आपके बारे में. वो पहले सोच रहे थे आप कुछ गलत हो या फिर आप इमेच्योर हो, अभी वो सोच रहे हैं कि आप काफ़ी हद तक खुद को चेंज किए हो, आप काफ़ी मोटिवेट करते हो. अभी वो देख के आपको प्राउड फील कर रहे हैं. मैं देख सकता हूँ आप में से ऐसे एक कनेक्शंस में देख रहा हूँ कि आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव है, ये बहुत जगह पे घूमता रहता है, लोगों के साथ बात करता रहता है, बट फिर भी ये आपको एक चीज़ बोला है कि आप स्पेशल हो. आपके साथ जो इसका बॉन्डिंग है वो कभी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते. आप एकमात्र जो पर्सन हो जो उसको समझ सकते हो, जो उसको झेल सकते हो. मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा फाइट होता है बट फिर भी ये फाइट आप दोनों रिजॉल्व कर लेते हो. इस बार क्या हुआ है, वो फाइट करने के बाद रिजॉल्व नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि फाइट आप स्टार्ट किए हो तो आप रिजॉल्व करोगे, और आपको लग रहा था कि वो स्टार्ट किए हैं. तो कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि रेजोल्यूशंस के लिए आ रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा था, जो फाइट हो रहा था, वो बंद करने के लिए ये कुछ तरीका अपना रहे. बटरफ्लाई का साइन मिल रहा है, ग्रीन क्रिस्टल्स जो आप पहने हो, या फिर अगर आप कोई ग्रीन कलर, ग्रीन तारा के मंत्र चैंट कर रहे हो, या फिर ग्रीन कलर को अगर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप सही कर रहे हो. क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई ग्रीन क्रिस्टल्स आप पहने हो, या फिर ग्रीन कलर के वॉलपेपर है, या फिर बटरफ्लाई देख रहे हो, या फिर एमरल्ड पहने हुए हो, जिसके इफेक्ट्स मार्क्यूरी को आपको स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं. सो कम्युनिकेशंस होगा, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो रहे हैं. ये आपको मिस करे अगेन एंड अगेन, ये बार बार आपको मिस करे, यही एनर्जी आ रहे हैं. लेट्स सी, मैं देख सकता हूँ कि चाइल्डहुड स्टोरी इसको लेके आप दोनों डिस्कस करते थे कि इसके बचपन कैसा था, आप दोनों का पढ़ाई कैसा था, कैसे आप दोनों का पास्ट था, क्योंकि पास्ट दोनों का सेम है. कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि ये मिस करे ओल्ड कम्युनिकेशंस को, कम्युनिकेशंस को मिस करे बहुत ज़्यादा. उसके बाद यहाँ पे आते हैं वर्कोहॉलिक. ये खुद को बहुत बिजी रख रहा है क्योंकि ये नहीं चाहते कि इसकी वीकनेस बाहर आ जाए. ये आपको इग्नोर कर रहे और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये शामिल होना नहीं चाहते. मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत गुस्से में भी है और साथ ही साथ इसको एक ऐसा लग रहा है कि आपको एक कितना भी ये समझाए बट आप समझने वाली नहीं हो. मैं देख रहा हूँ कि कमिटमेंट लेके कुछ इशू हुआ है, या फिर मैं देख रहा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में विदाउट एनी थिंग ये भाग के चले गए हैं. बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़िद्दी है और ये पर्सन को अभी तक लगता है कि ये सही है और आप गलत हो. तो दोनों का परसेप्शंस चेंज हो रहा है और डेफिनेटली आप भी काम में बिजी रह रहे हो क्योंकि आप भी नहीं चाहते हो कि ये ब्रेकअप वाला फेज आपके लाइफ को नष्ट करे. बट आप नहीं सह पा रहे हो और वो उसका भी सेम सिचुएशन हो रहे हैं. ये बाहर नहीं जा पा रहे, काम में अटक मतलब बिजी हो गए हैं और काम को भी ये इंजॉय नहीं कर पा रहे, लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. ये हो सकता है कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे इसीलिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है इसीलिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली इसके नए जॉब इसको लगे हैं, या फिर ये कहीं पे चले गए हैं, या फिर रिसेंटली ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए हैं घर में, सो इसीलिए ये बहुत बिजी हो गए. बट ये अभी भी मिस करे, अभी देखूंगा कि इसके नेक्स्ट मूव क्या होगा. टैरोट बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पैटर्न जो है उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है. देखिए ये है 10 of Swords का, यानी कि वर्स्ट इज़ ओवर, जो भी खराब होना था वो हो गया, अब और बुरा नहीं हो सकता है, सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, एक नया बिगनिंग आ रहा है. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सामने आके कुछ अच्छे से बोलेंगे और डेफिनेटली किसका गलती था,
क्या था, सारी चीज़ ये शेयर करेंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तो थर्ड पार्टी को ये रिमूव करने के लिए राजी हो रहा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहे हैं। तो अगर आप महादेव के भक्त हो, या फिर अगर आप शनि जी को पूजा किए हो, या फिर आप माँ काली के भक्त हो, तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि उसका आशीर्वाद आ रहा है। चाहे आप किसी भी जोडियक साइन में क्यों ना हो, किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आपके जो मंगल है ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और मंगल आपको एक नेक इंसान बनाएंगे। तो आप इस पर्सन को बोल रहे हो इनडायरेक्टली, अगर आप ऑनेस्ट हो तो ही आओ, अगर आप डिसऑनेस्ट हो, अगर आप मेरे को बैकअप लेके चलना चाहते हो, या फिर मेरे को आप ऑप्शंस बना के चलना चाहोगे तो मत आओ। तो ये आपको ऑप्शंस नहीं, आपको अपने पार्टनर बनाएंगे, ये खुद के पार्टनर बनाएंगे ये। लेट्स सी और इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के कार्ड है मिथुन तुला एंड कुंभ का। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वीन ऑफ वांड्स। देखिए मैं देख सकता हूँ कि आपके मर्जी ये मानेंगे। मैं देख सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप पे आप इसको बोल रहे हो कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ प्यार चाहता हूँ, आप मेरे को रेस्पेक्ट करो, आप मेरे से टाइम, मेरे को टाइम दो, आप मेरे फैमिली को एक्सेप्ट करो, आप मेरे को एक्सेप्ट करो। मैं देख रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ है, क्योंकि आप दोनों का पैशन बहुत ज़्यादा है और आप दोनों एक दूसरे को, दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। तो बार बार क्या है कि आप लोग झगड़ा करते हो, दूर हो जाते हो, फिर से वापस आते हो। तो ये जो ड्रामा चल रहा था, खास करके एरीज लियो सेजिटेरियस का, ये ड्रामा खत्म हो जा रहा है। प्लेन एंड सिंपल ये आपके सामने आके सरेंडर करेंगे और आप भी बोलेंगे अब से हम झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। करूंगा, मैं देख रहा हूं कि बहुत नेगेटिव चीजों को आप झेल के आए हो, स्पेशली कोई फीमेल पर्सन आपके पर्सन के ऊपर स्पेल कर रहा था, या फिर कोई नेगेटिव पर्सन बुरे नजर दिए थे। ये डेफिनेटली एक फीमेल पर्सन है, ये इन लॉज हो सकता है, या फिर कोई सिस्टर इन लॉ हो सकता है, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप और वो एक साथ रहे। इसलिए बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता रहता है कि आपके पार्टनर भड़क जाता है, या फिर आपके पार्टनर बहक जाते हैं, या फिर आपके पार्टनर नहीं आते, कुछ ऐसा अनहोनी हो रहा था। बट फाइनली ये चीज़ ओवर हो रही है, क्योंकि आपके डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बढ़ रहा है। लास्ट कार्ड इस रीडिंग का क्या होगा, लेट्स सी लास्ट कार्ड इस रीडिंग का क्या होगा। लास्ट कार्ड यहाँ पे, लास्ट कार्ड आए है एस ऑफ वंड्स। तो एक नया बिगिनिंग आ रहे है पार्टनर का। मैं देख सकता हूँ कि ये तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो आपके पार्टनर आपको समझाएंगे, आपके पार्टनर आपको वादा करेंगे, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ एक नए होप लेके आपके पर्सन आ रहे हैं। ये आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, सेक्सुअल इनकाउंटर हो सकता है। देखिए आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील करवाएंगे, और साथ ही साथ देख रहा हूँ कि दोनों के क्रिएटिव टैलेंट बढ़ जा रहा है। हो सकता है दोनों मिलकर कुछ स्टार्ट करोगे, या फिर एक साथ आके रहोगे, या फिर लिव इन करोगे। स्पेशली मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एक, आपके पार्टनर आपसे बड़े हैं उम्र में, या फिर आप छोटे हो उम्र में, आपके पार्टनर छोटे हैं, अगर आप दोनों के बीच में एज गैप है, तो मेंटल मैच्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं। आप भी मैच्योर हो रहे हो, आपके पार्टनर भी मैच्योर हो रहे हैं। ओवरऑल इस रिलेशनशिप पहले ऑन एंड ऑफ था, अभी एक सिमिलर पैटर्न पे आ रहा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आप जल्द ही जल्द आपके लाइफ में वापस आए और आपको कुछ सलाह दे, एंड आपके साथ वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बट ये पहले अपने फिनेंस को ठीक करेंगे, तो इसके ओवरऑल फोकस रहेगा फिनेंस एंड फिजिकल इंटीमेसी, उसके बाद ये लव को ग्रो करेंगे। सो आप थोड़ा सा धैर्य आपको मेंटेन करके रखना होगा। सेकेंडली, ये पर्सन का इरादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पर्सन अभी मैरिज के लिए राजी हो जाएंगे। नो, ये लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो इस पर्सन के सामने अगर आप वीक बनोगे तो आप गलत हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि ये आपको हासिल करना चाहते हैं। ये आपके लाइफ में इसीलिए आए थे क्योंकि आप बहुत खूबसूरत थे। उस टाइम पे आपके लाइफ में बहुत ऑप्शंस था, आप लोगों को इग्नोर करते थे, आप ना बोल देते थे। बट इस पर्सन के आने से जैसे आपके लाइफ बदल गया, आप इसको चेज करने लगे, और जैसे आप कभी भी जो काम नहीं करते हो वो काम करने लगे, इसीलिए आपके वैल्यू इसके सामने गिर गया। और ये मिस्टेक्स आप दोबारा मत दोहराइए। जब ये वापस आएंगे तो प्लीज़ अपना वैल्यूज़ को बढ़ा के इसके साथ बात करिए, बैक टू योर ओन जोन। ये आपको चेज करना पसंद करेंगे, जो जिस टाइम पे आप इसको अलाउ करोगे उस टाइम पे ये आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको अपना एक्सेस मत दो, इसको कंट्रोल करने के लिए मत दो, खुद आप इनको कंट्रोल करो, खुद अपना इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा प्योर लव 1111। प्योर लव के मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा होता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनिक वन, एंड मेरे वेरीफाइड ब्लू टिक वाला माँ काली टैरोट बाय निर्भर मुखर्जी उस चैनल को, यानी कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल को
फॉलो कर लीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए मत रिक्वेस्ट भेजिए, और मैं कभी भी कमेंट करके नहीं बोलूँगा व्हाट्सएप करने के लिए। ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना ही मेरा कोई एक्स्ट्रा प्रोफाइल है, और ना ही मेरा कोई ऑफिस है, ना ही मैं प्राइवेट रीडिंग करता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर।